आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाता वालों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा नए साल पर आम आदमी को मिली है बड़ी राहत, अब सस्ते कपड़ों पर नहीं बढ़ेगी GST दरें। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आप ग्राहकों के लिए अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस से जुड़ी शिकायत दर्ज कराना हुआ है और आसान, सरकार ने नियमों में किया है बड़ा बदलाव। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा नए साल 2022 में भी सताएगी मोबाइल की महंगाई, एक बार फिर बढ़ेगा आपका मोबाइल बिल। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा देश के इस राज्य में सरकार ने दिए हैं आदेश, अब वैक्सीन नहीं तो घर से बाहर नहीं, इस तारीख तक डबल डोज लगाना हुआ है अनिवार्य। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ओमिक्रॉन के बढ़ते संकट को देखते हुए देश के इन राज्यों में स्कूल कॉलेज को बंद करने की तैयारी, CBSE की बड़ी है चिंता। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा खाने के तेल को सस्ता होने को लेकर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा इस राज्य में सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा, अब हर महीने आशा कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 700 की जगह 1500 रुपए। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पेंशन पाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों के लिए भी एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, फ्री फायर गेम खेलने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली खबर की, तो आम आदमी को नए साल का तोहफा इन कंपनियों ने घटाए हैं खाने के तेल के दाम। नए साल पर आम लोगों को महंगाई से राहत का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। दरअसल देश में खाद्य तेल का उत्पादन करने वाली कई कंपनियों ने खाद्य तेल के दामों में कमी करने की घोषणा की है, इससे लोगों के मंथली बजट में ऐसा खासा यहाँ पर फर्क पड़ेगा। वही फॉर्च्यून ब्रांड के नाम से तेल बेचने वाली अडानी विलमार समेत रुचि सोया और इमामी जैसी कंपनियों ने दाम में 10-15% की यहाँ पर कमी यहाँ पर की है। वही तेल उत्पादकों के उद्योग मंडल SEA का कहना है कि इन कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल की कीमतों में कटौती यहाँ पर की है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी के लिए एक और राहत की खबर, सस्ते कपड़ों पर नहीं बढ़ेगी GST दरें। राज्य और उद्योगों की आपत्ति के बाद GST काउंसिल ने कपड़ों पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 12% करने के अपने फैसले को फिलहाल के लिए टाल दिया है। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कल हुई GST काउंसिल की बैठक में इस बढ़ोतरी को फिलहाल के लिए टालने का फैसला किया गया है। वही हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर विक्रम सिंह ने ये जानकारी दी है। वही फरवरी में होने वाली अगली बैठक में इसकी समीक्षा यहाँ पर की जा सकती है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो ग्राहकों के लिए अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस से जुड़ी शिकायत दर्ज कराना हुआ है और आसान, सरकार ने नियमों में किया है बदलाव। धोखाधड़ी के शिकार और कंपनियों की ठगी से परेशान ग्राहकों के लिए सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून में यहाँ पर बदलाव किया है। इसके तहत अब उपभोक्ता कमीशन में पहुंचने वाली शिकायतों के मूल्य के आधार पर नया दायरा यहाँ पर बना दिया गया है। इन नए नियमों के मुताबिक ग्राहक 50 लाख रुपए तक के उत्पाद या फिर सेवा से संबंधित शिकायत है वो अपने जिला उपभोक्ता आयोग में यहाँ पर कर पाएंगे। इसके अलावा 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के उत्पादों से जुड़ी शिकायतें राज्य उपभोक्ता आयोग में जाकर उन्हें करनी होगी। भाई 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के मूल्य वाली शिकायतों पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में जाकर यहाँ पर शिकायत दर्ज करानी होगी। उपभोक्ता संरक्षण कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत अब तक यहाँ पर जिला आयोग में 1 करोड़ रुपए तक के मामले जाते थे। इसके अलावा राज्य आयोग में 10 करोड़ रुपए तक के मूल्य वाली शिकायतों का सुनवाई यहाँ पर होती थी, जबकि राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की मूल्य वाली शिकायतें ही यहाँ पर पहुंच सकती थी। इसके तहत ग्राहकों को यहाँ पर जिला से राज्य फिर यहाँ पर राज्य से राष्ट्रीय तक यहाँ पर पहुंचने में लंबी और खर्चीली प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इसके साथ ही जिला आयोग पर यहाँ पर काम का दबाव भी बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता था, इससे बड़ी संख्या में मामले पेंडिंग यहाँ पर हो रहे थे। ऐसे मामले हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे थे। इन सभी मुश्किलों को खत्म करने के लिए सरकार ने नियमों को यहाँ पर बदला, यानी नियमों को लेकर सरकार आई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो मोदी सरकार ने पेंशनर्स को दी है राहत, अब 28 फरवरी 2022 तक जमा करवा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट 31 दिसंबर 2021 तक को फाइल करना था, लेकिन अब सरकार ने इसे आगे बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 यहां पर कर दिया है। वही पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा यहां पर कर दी है। ये दूसरी बार है जब सरकार ने
यहाँ पर इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया है। पहले हर साल 30 नवंबर को सामान्य जो समय सीमा होती है उस दिन तक यहाँ पर पेंशन धारक है वो यहाँ पर 30 नवंबर तक अपने जो पेंशन के से जुड़ा जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसे जमा करवाते थे, लेकिन सरकार ने कोविड के देखते हुए यहाँ पर 31 दिसंबर तक इसकी डेडलाइन को बढ़ाया था। लेकिन एक बार फिर सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए 28 फरवरी 2022 तक इसकी समय सीमा यहाँ पर बढ़ा दी है लाइफ सर्टिफिकेट की। वही जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट देश भर में पेंशन भोगियों के लिए बिना किसी परेशानी या फिर ब्रेक के अपना मासिक भत्ता यानी पेंशन पाने का एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो HDFC बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर। HDFC बैंक ने ग्राहकों को किया है अलर्ट, 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा नया डेबिट और क्रेडिट कार्ड। नए साल से पहले HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है। दरअसल आधार और पैन लिंक नहीं होने पर बैंकिंग सर्विस को रोक दिया जाएगा, ऐसा बैंक की ओर से कहा गया है। इसके लिए बैंक ने SMS और मेज के जरिए अपने कस्टमर्स को यहां पर अलर्ट किया है। बैंक ने कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 139A के तहत आधार को पैन कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। 31 मार्च 2022 तक दोनों लिंक नहीं होने पर बैंक से जुड़े कई कामकाज यहां पर नहीं हो पाएंगे, ये यहां पर बैंक की ओर से कहा गया है। नए साल पर आप कोई भी यहां पर बड़ी ट्रांजेक्शन अगर करना चाहते हैं तो आधार से पैन कार्ड का लिंक होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड यानी यहाँ पर लिंक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो यहाँ पर जो आपका जो पैन कार्ड है उसे यहाँ पर इनवैलिड माना जाएगा यानी इनवैलिड से माना जाएगा। वही आप इन ऑपरेटिव पैन के जरिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। वही TDS डिक्टेशन पर भी ज्यादा टैक्स आपका जो रेट है वो लगेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं को योगी सरकार ने दिया है नया साल का तोहफा। अब हर महीने 700 की जगह मिलेंगे 1500 रुपए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 750 रुपए के मानदेय को बढ़ाकर 1500 रुपए किए जाने और अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक प्रतिमाह 500 रुपए अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आशा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में 80,000 मोबाइल फोन वितरण अभियान की शुरुआत की और महामारी के दौरान उनके कार्य की सराहना करते हुए उन्हें राज्य सरकार यहाँ पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तय किया कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक कोविड-19 की रोकथाम के लिए बेहतर कार्य करने वाली आशा और आशा सहयोगिनी को सरकार 500 रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध यहाँ पर कराएगी, ये उन्होंने कहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो नए साल 2022 में भी सताएगी मोबाइल की महंगाई, एक बार फिर बढ़ेगा आपका मोबाइल बिल। पिछले महीने मोबाइल बिल में बढ़ोतरी से परेशान ग्राहकों के लिए छोटी अवधि के लिए कोई राहत की खबर आने की अब उम्मीद नहीं है। वही इस साल 2022 में भी मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी की आशंका है। वही आशंका है कि इस साल पैक के दाम और भी बढ़ सकते हैं। वही 2021 में नवंबर में यहाँ पर जियो सहित एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने जो अपने प्रीपेड प्लान है उसमें 20-25% की बढ़ोतरी यहाँ पर की थी। इससे पहले 2020 में महामारी के चलते कीमतें नहीं बढ़ी थी। अब इस साल 2022 में प्रीपेड मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी की आशंका है। भाई प्रीपेड मोबाइल टैरिफ के फिर से बढ़ने के पीछे कई कारण है, जैसे कि टेलीकॉम कंपनियां अपना जो ARPU है उसे बढ़ने की यहां पर जो कंपनियां वो अपना ARPU बढ़ाने की मंशा है। वही ARPU यानी प्रति यूजर औसत आय छोटी अवधि में ARPU को बढ़ाकर 200 करने का लक्ष्य, मध्यम अवधि के लिए ARPU 300 यहां पर होने की आशंका है। वही नेटवर्क स्पेक्ट्रम पर कंपनियों का अधिक यहां पर खर्च और 5G नेटवर्क और स्पेक्ट्रम पर बड़े खर्च की फंडिंग हो सकेगी। वही 2017 से 2021 के दौरान 5G सेवाओं पर 5,00,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और टेलीकॉम कंपनियों पर स्पेक्ट्रम से यहां पर ये जुड़ी बड़ी देनदारी है। वही एक्सपर्ट्स बताता है कि जबरदस्त प्रतिस्पर्धा के चलते भारत में मोबाइल कंपनियों ने बीते कुछ सालों से यहाँ पर दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन लगातार जो दाम है वो घटाए हैं, लेकिन इस वजह से टेलीकॉम सेक्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन 2022 में यानी इस साल, चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक खाताधारक हो जाए सावधान, नए साल पर साइबर चोर कर रहे हैं बैंक अकाउंट साफ, सरकार ने जारी की है हेल्पलाइन। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड के केस आए दिन सुनने में आते हैं। वही कोरोना महामारी की वजह से लोगों ने कंप्यूटर पर ज्यादा काम करना शुरू कर दिया है, इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट का प्रचलन भी काफी तेजी से देश में बढ़ गया है। ऐसे में जो ऑनलाइन साइबर चोर है वो एक्टिव हो गए हैं। वही चोर बेकॉफ होकर लोगों की निजी और संवेदनशील जानकारियां निकालकर उनके खातों से पैसे चुरा रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने एक हेल्पलाइन यहाँ पर जारी की है। वही सरकार ने लोगों को यहाँ पर जानकारी दी है कि साइबर फ्रॉड में अगर आपका यहाँ पर कोई नुकसान होता है तो आप हेल्पलाइन नंबर 155260 पर बता सकते हैं। इसके अलावा आप घर बैठे ऑनलाइन राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी अपनी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर आपको तुरंत सहायता मिलेगी।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में अब वैक्सीन नहीं तो घर से बाहर नहीं, सरकार ने दिए हैं आदेश, इस तारीख तक डबल डोज लगाना हुआ है अनिवार्य। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक बार फिर से नए मरीजों से टेंशन यहां पर बढ़ गई है। वही शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाइव ओपन बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने कहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वाले लोग 31 जनवरी से घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये पूरी तरह से सरकारी प्रतिबंध होगा, इसमें किसी भी तरह की डिले यहाँ पर नहीं दी जाएगी। वही सरकार का कहना है कि सभी लोग 31 जनवरी तक दूसरी डोज लगवा ले, अन्यथा बिना दोनों डोज के लिए बिना पब्लिक प्लेस में एंट्री यहाँ पर नहीं मिलेगी। वही सीएम के साथ साथ ओपन लाइव मीटिंग में कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर प्रसाद राज मीणा ने सुझाव दिया है कि राज्य के स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद के लिए यहाँ पर बंद कर दिया जाए। वही मीणा ने कहा है कि सैंपलिंग का काम धीमा है। वही जयपुर की रोज सैंपलिंग 20,000 होनी चाहिए। वही राजस्थान में 3 जनवरी से कोविड प्रोटोकॉल और नाइट कर्फ्यू में सख्ती यहाँ पर जो है उसमें शक्ति बरतने का ऐलान यहाँ पर किया गया है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सैंपलिंग बढ़ाने के लिए जयपुर के यहाँ पर सीएमएचओ को फटकार यहाँ पर लगाई। उन्होंने कहा है कि पिछले 7 दिन में इतने ज्यादा कोरोना केस आ गए, लेकिन सैंपलिंग बहुत ही कम यहाँ पर हो रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। देश ने पार किया है कोरोना वैक्सीनेशन की 145 करोड़ का आंकड़ा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जताई है खुशी। देश में एक तरफ जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार से सरकार की चिंता बढ़ रही है, तो वहीं इसे निपटने के लिए वैक्सीनेशन अभियान देश में तेजी से जारी है। वहीं कल यानी शुक्रवार को देश ने एक बड़ी उपलब्धि यहां पर हासिल की है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में एक भारत ने बड़ी यहां पर उपलब्धि हासिल करते हुए 145 करोड़ से ज्यादा कोरोना की यहां पर जो खुराकें हैं वो यहां पर देने का रिकॉर्ड यहां पर भारत ने बनाया है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस दौरान यहां पर जानकारी देते हुए बताया कि देश ने अब तक 145 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज यहां पर दे दिया, यानी 145 करोड़ से ज्यादा यहां पर डोज भारत में अब तक दी जा चुकी है। बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 20 ट्रेनों में नक्शे टिकट पर यात्रा करने की मिलेगी सुविधा। रेलवे ने कई सेवाओं में किया है बदलाव। भारतीय रेल अपने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपनी सेवाओं में बदलाव करता रहता है। वही नए साल के मौके पर भी यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने कुछ ट्रेनों में स्टॉपेज में यहाँ पर बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसके साथ ही रेलवे ने कई ट्रेनों में यहाँ पर अनारक्षित डिब्बे लगाने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों में पेंट्री कार लगाने का भी फैसला यहाँ पर लिया है, निर्णय यहाँ पर लिया गया है। वही लखनऊ से लोकमान्य तिलक टर्मिनस से लखनऊ सुपरफास्ट जो ट्रेन है उसमें 5 जनवरी 2022 से पेंट्री कार की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे इस ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को गर्मा गर्म खाने की सुविधा यहां पर मिल सकेगी। उन्हें खाने के लिए इधर उधर यहां पर दूसरे खाना खरीदने की यहां पर नहीं जरूरत होगी, यानी मजबूर यहां पर नहीं होना पड़ेगा। वही रेलवे के मुताबिक लखनऊ से जो लोकमान्य तिलक टर्मिनस जो लखनऊ सुपरफास्ट ट्रेन है उसमें पेंट्री कार के अलावा 1 सेकेंड AC और 4 थर्ड AC और 12 स्लीपर और 2 जनरल क्लास के डिब्बे भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। वही रेलवे के मुताबिक ऐसी 20 ट्रेनों की लिस्ट बनाई गई है जिनमें आज से अनारक्षित श्रेणी का टिकट खरीदकर यात्रा की जा सकेगी। इन ट्रेनों में यहाँ पर कुछ प्रमुख नाम आपको बताते हैं, गोरखपुर ऐसाबाग है, वाराणसी लखनऊ है, इसके अलावा गोरखपुर लखनऊ और गोमती नगर से छपरा और फरुखाबाद से छपरा, और इसके अलावा यहाँ पर लखनऊ से गोरखोदाम, लखनऊ से छपरा, ये जो ट्रेन है इसमें यहाँ पर ये डिब्बे लगाए जाएंगे। इसके अलावा टोटल यहाँ पर 20 ट्रेनों में ये ऐलान यहाँ पर हुआ है अतिरिक्त कोच लगाने का। बात करते हैं अगली खबर की। तो इस साल बढ़ेगी सोने की चमक, 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच सकती है सोने की कीमतें। नए साल में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। वही कमोडिटी बाजार के जानकारों का अनुमान है कि महंगाई दर को लेकर नई चिंताएं और ओमिक्रॉन से जुड़े नए डर और डॉलर में मजबूती की वजह से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वही बाजार मान रहा है कि नए साल में 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव तक सोना पहुंच सकता है। वही कोविड के दौरान सोने में तेजी देखने को मिली थी और साल 2020 अगस्त में सोना MCX पर 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि साल 2021 की दूसरी छमाही में सोने में यहां पर गिरावट दर्ज हुई है और फिलहाल जो कीमतें हैं वो यहां पर 48,000 के स्तर पर है। ये सोना ऑल टाइम हाई रेट से 14% नीचे है। वही कीमतें जनवरी 2021 के मुकाबले 4% नीचे। हालांकि डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी की वजह से देश में सोने की कीमतें विदेशी बाजारों में सोने की कीमतों के मुकाबले 3% ज्यादा है। वही कमोडिटीज के को फाउंडर और CEO त्याग नटरंजन का कहना है कि इक्विटी मार्केट में नकदी के तेजी से फ्लो की वजह से सोने की कीमतों में ये दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो फ्री फायर गेम खेलने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, फ्री फायर के 20 लाख से ज्यादा बेईमानों को गैरेना ने किया है परमानेंट बैन। गैरेना फ्री फायर में चीटिंग करके खेलने वाले चीटर्स और गेमर्स को एक बार फिर यहाँ पर बैन किया गया है। इस बार कंपनी ने करीब 20 लाख से ज्यादा
फ्री फायर अकाउंट को हमेशा के लिए बैन कर दिया है। वही फ्री फायर में चीटिंग करने वाले गेमर्स को डेवलपर कंपनी गैरेना लगातार बैन करती जा रही है। फिर यहाँ पर फ्री फायर में पिछले कुछ महीनों से हैकर्स और बेईमानी करने वाले चीटर्स की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से गैरेना ने ऐसे सभी गेमर्स के अकाउंट्स को बैन करने का फैसला लिया है। वही पिछले कई महीनों में यहाँ पर लाखों अकाउंट्स को यहाँ पर बैन किया गया। इस फैसले से यहाँ पर मतलब ऐसे कई लाखों चीटर्स को यहाँ पर बैन किया गया है। इस बार फिर से यहाँ पर गैरेना ने करीब 2 मिलियन करीब 20 लाख से ज्यादा गेमर्स के अकाउंट्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया। वही गैरेना ने इसके लिए एक ऑफिशियल रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है। वही इस रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने पिछले 2 हफ्तों में कुल यहाँ पर 20 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर अकाउंट्स बैन यहाँ पर किए हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो पुडुचेरी में 31 जनवरी तक के लिए बढ़ाया गया है नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे सुबह 5 बजे तक रहेगी सब कुछ बंद। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रात 11 बजे सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ये प्रतिबंध इस केंद्र शासित प्रदेश में 31 जनवरी 2022 तक यहाँ पर लागू रहेगा। वही कोरोना के मामलों में लगातार यहाँ पर देश में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस दौरान पुडुचेरी में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसको देखते हुए यहाँ पर जो नाइट कर्फ्यू है वो 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगली खबर की, तो स्कूलों को बंद करने को लेकर बड़ी खबर। इन राज्यों में स्कूल बंद करने की तैयारी, सीबीएसई की चिंता बड़ी। फरवरी में होनी है परीक्षा। ओमिक्रॉन के केस बढ़ने के साथ ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक बार फिर स्कूल बंद होंगे। वही कई राज्यों में 2 साल बाद फिर स्कूल यहाँ पर खुले थे कि यहाँ पर फिर स्कूलों को बंद करने की नौबत आती दिख रही है। ताजा खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यहाँ सरकार ने 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक के लिए शीतकालीन अवकाश यहां पर घोषित कर दिया है। माना जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने यह फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और यहां के बच्चों को यहां पर ज्यादा ये जो कोरोना की तीसरी लहर है ये बच्चों को यहां पर ज्यादा निशाना बना रही है। वह यूपी के साथ साथ दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और आंध्र प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहाँ कोरोना के केस तेजी से यहाँ पर बढ़ रहे हैं और पाबंदियों की शुरुआत भी यहाँ पर कर दी गई है। वही पश्चिम बंगाल में भी बंद हो सकते हैं स्कूल, दीदी कर रही है मंथन। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने यहां पर कहा है कि कोविड-19 के मामलों में अगर बढ़ोतरी होती है तो राज्य में स्कूल कॉलेज को फिर बंद यहां पर किया जा सकता है, यानी बंद करने पर विचार और भी यहां पर किया जा सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने इस तरह की यहाँ पर चेतावनी उन्होंने कही है, कहा है कि यहाँ पर अगर कोरोना के मामले महाराष्ट्र में बढ़ते हैं तो यहाँ पर स्कूलों को बंद करने पर विचार किया जा सकता है।